हे फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एसेंशियल सलून में और यहाँ पे मैं आई हूँ हेयर का बोटोक्स ट्रीटमेंट लेने। ये एक यूनिसेक्स सलून है, तो पहले तो मेरे हेयर बहुत ही फ्रिजी और इस तरह के हैं, डल लग रहे हैं। तो देखिए ये बोटोक्स ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे हेयर कैसे आते हैं। मुझे अराउंड 16,000 का ये पड़ा बोटोक्स ट्रीटमेंट, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में और एंड रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आने वाली हैं वीडियो में। ये 4-5 घंटे का प्रोसेस है। तो पहले तो ये मेरे बाल धोए जाएंगे, 2 बार बाल धोए जाते हैं, हेयर वॉश होगा, तो उसके बीच में 20 मिनट्स का भी ब्रेक देते हैं। वो लोग शायद कुछ कंडीशनर या कुछ क्रीम लगा के 20 मिनट्स छोड़ देते हैं बालों में, तो उसके बाद ही सेकेंड हेयर वॉश किया जाता है। तो मुझे तो सलून में जाके हेयर वॉश करवाना बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस सो जाओ। और किस किस को अच्छा लगता है हेयर वॉश करवाना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा सेकेंड टाइम का हेयर वॉश भी हो गया है और ये लोग अभी टावल रैप करेंगे, टावल ड्राई करेंगे और उसके बाद मुझे दूसरे सीट पे बिठा देंगे जहाँ पे हेयर कटिंग, और ये लोग स्टाइलिंग करते हैं तो स्टाइलिंग चेयर में जाके बैठेंगे। बैठने के बाद ये शायद ब्लो ड्राई करना शुरू कर देगी। ये मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है जो आप देख रहे हो, इसको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एसेंशियल्स में और यही मेरी स्टाइलिंग कर रही है। तो देखते हैं 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस कितना काम आता है और ये मेरे हेयर को अच्छे से बोटोक्स ट्रीटमेंट दे पाती है या नहीं। एंड रिज़ल्ट के लिए वेट करते हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह का ट्रीटमेंट करवाना है, बोटोक्स हेयर ट्रीटमेंट करवाना है, तो इसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो ज़रूर आप ऐसे बड़े सलून्स में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर उसके बाद जाइए। हालांकि मैं ज़्यादातर सलून्स में नहीं जाती हूँ, सलून्स में जाना ही मतलब कि पैसे का नुकसान या पैसे का फटका। मैं रेयरली जाती हूँ। यहाँ बोटोक्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेरी डर्मोटोलॉजिस्ट ने बोला था, इसलिए ही मैं गई थी। मैंने सोचा कि मेरी डॉक्टर ने जब बोला है तो मैं एक बार करवा के देख ही लेती हूँ कैसा होता है, हेयर फॉल रिड्यूस होता है नहीं होता है। मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी कि आप लोगों को ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइलिस्ट एक एक सेक्शन के बाल को ले रही है और उसमें आर्गन ऑयल लगा रही है। आर्गन ऑयल से आपके बाल प्रोटेक्ट होते हैं हीट से, और ऐसे अप्लाई करेगी पूरे ही बालों में एक एक सेक्शन लेके, उसके बाद ही वो बोटोक्स लगाएगी। यहाँ पे देखिए बोटोक्स रेडी हो गया है। ये जो ब्लू कलर है ये बोटोक्स है। बोला जाता है कि बोटोक्स में केमिकल्स कम होते हैं, हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट अच्छा होता है। पहले जो ट्रीटमेंट होता था उसका नाम था केराटिन ट्रीटमेंट, और केराटिन ट्रीटमेंट में केमिकल हार्श होते हैं और बोटोक्स में केमिकल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए मेरी डर्मोटोलॉजिस्ट ने बोटोक्स ही रिकमेंड किया है। देखिए ये लोग ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है बोटोक्स मेरे हेयर में, और इस तरह से अप्लाई किया जाता है बोटोक्स। और इसके बाद मुझे ऐसे रैप किया जा रहा है जैसे कि मूवर्स एंड पैकर्स वाले रैप करते हैं ना, टेबल फर्नीचर की तरह मुझे रैप कर दिया, मेरे हेड को ही रैप कर दिया। देखिए कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए और मैं ऐसे ही रैपर में रैप हो के बैठी रहूँगी। कुछ अजीब सा ही नहीं है? अरे देखो यार, मेरे हेड को इन्होंने पत्ता गोभी की तरह रैप कर दिया है, या वाटरमेलन के ऊपर जैसे रैप करते हैं आपको सब्जियां मिलती हैं वैसे ही रैप कर दिया है। पता नहीं क्या होगा मेरे बालों का, अब मुझे ये टेंशन हो रही है क्या होगा। अरे अभी तो इन्होंने निकाल दिया है रैपर, हो गया होगा 30 मिनट्स, उन्होंने टाइमर लगाया था। अभी ये लोग इसको ब्लो ड्राई कर रहे हैं, एक सेक्शन लेके अच्छे से ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छे से ब्लो ड्राई करने के बाद फिर से हेड वॉश हो रहा है। देखिए बालों को फिर से धोया जा रहा है एक और बार, आई थिंक 2 बार और धोएंगे। धोने के बाद फिर से टॉवल ड्राई होगा और उसके बाद फिर से ब्लो ड्राई होगा, आई थिंक यही प्रोसेस है, और लास्ट में एंड रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा। मैंने ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाया है और मैंने थोड़ा स्पीड इसका बढ़ा दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि पूरा प्रोसेस देखने के लिए काफ़ी घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाए कैसे ये लोग प्रोसेस करते हैं। अभी ब्लो ड्राई हो रहा है, ये लोग सेक्शन सेक्शन करके फिर से ब्लो ड्राई कर रहे हैं और यही एंड रिज़ल्ट आएगा इसके बाद। तो वीडियो पे बने रहिए और एंड रिज़ल्ट देखिए कैसा है। मुझे तो अभी से ही अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट लग रहे हैं मेरे हेयर और क्रिस्प फ्री भी लग रहे हैं। इसके बाद जो मेरी स्टाइलिस्ट है थोड़ा ट्रिम भी करेगी हेयर को और थोड़ा शेप भी देगी।
अब देखिए वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि कैसा लग रहा है, और ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये हेयर लुक मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं। तो ये रहा मेरे बालों का फाइनल लुक, ये देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक आया है और काफ़ी बाउंसी और स्ट्रेट और फ्रिज फ्री और शाइनी हेयर हो गया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और ये रही मेरी स्टाइलिस्ट जिनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और काफ़ी ही प्यारी स्टाइलिस्ट है, और